स्पीड के साथ शुरू करें और उसी स्पीड के साथ उसे अपनी ख़त्म कर लें। ये हे को फे के साथ जब लिखना है तो एज यू नो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आपने किसी लफ्ज़ के दरमियान में फे आएगा तो उसे आपने अंदर से फिल करना है। ये काफ इसी तरह हे दो चश्मी के साथ जब काफ दूसरे वाला करते हैं तो इसे पूरा हे अलफ हा के बराबर ऊपर लेके जाना है इस तरह से। और बे जो है ये यहाँ से शुरू करेंगे ताकि हमें ये वाला गैप जो है ये नजर आए। इसे हाफ अलिफ के बराबर ऊपर लेके जाना है और हाफ अलिफ के बराबर नीचे लेके आना है। फिर यहाँ से इसे आपने सर्कल करना है। इसे नीचे भी बिल्कुल सीधा लेके आना है आपने बेटा। फलिफ और यहाँ से इसे नीचे आपने सर्कल कर देना। वाओ को यहाँ से थोड़ा सा घुमाना है, इसे अंदर से फिल करना होगा। ये यहाँ से ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे छोटी ये होती है ऐसे ही इसे बना देना। यहाँ से इसे कर्व करके बेटा ऐसे लेके आना। ठीक है बेटा, तो ये था आपका हे के साथ दो चश्मी हे के साथ सारे वर्ड्स को अलिफ से या तक हमने मिला दिया। अब दो तीन लफ्ज़ यहाँ भी मैं ये पिछले वर्ड में जो हमने ये दूसरा किया था उसके ये हेलिफ हा बना के तो ये इस तरह से बेटा आएगा। दो चश्मी ये के पहले हमने ये वाला पोर्शन बनाना है फिर ये तरह। जीम दाल जब हमने तख्ती की थी तो ये वाला वर्ड ऐसे जिधर इसको भी हमने जैसे थम जाना होता है ना, इससे वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। ज़्यादा वर्ड्स बनाने के लिए हमें डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। आप डिक्शनरी खोल के भी देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड जो हैं इनके साथ मिल सकते हैं। तो ये बेटा हमारा आज का लास्ट था। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके साथ वर्ड सेंटेंसेस वगैरह किया करेंगे, उसका भी सीक्वेंस मैं आपको बता दूंगा। तो इसे आप करें तब तक इंशाल्लाह फिर बाद में आप अगर आपने 100% बेटा इसे कर भी लिया ना तो जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सेंटेंसेस में वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो कि असल में उन्होंने सीखा होता है, जो कि उनके अंदर उनकी जो सीखा होता है उन्होंने जो कुछ उन्होंने किया होता है पूरे थ्रू आउट द सेशन तो वो उस तरह से लफ्ज़ों को प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो बेटा प्लेसमेंट ही सारी मेन चीज़ होती है। तो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि लफ्ज़ों को प्लेस किस तरह से करना है जब आप इसे सेंटेंसेस में लेके जाएंगे। तब तक इंशाल्लाह बेटा मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू वेरी मच।